हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा वी नाउ स्टडी ऑफ द चैप्टर नंबर 10 सर्कल। बेटा पावर मैथ्स क्लासेस में आपका चैप्टर नंबर 10 सर्कल, जिसकी एक्सरसाइज आज हम 10.3 स्टडी करने जा रहे हैं। इसका सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सरसाइज 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है बेटा इसका फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा एक्सरसाइज 10.3 का आपका, ड्रॉ द डिफरेंट पेयर ऑफ ए सर्कल। ड्रॉ द, क्या है बेटा? ड्रॉ द डिफरेंट पेयर ऑफ द सर्कल, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन एंड व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट। बेटा क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ड्रॉ करो डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल और हाउ मेनी उनके कॉमन पॉइंट बताइए कि कितने कॉमन पॉइंट हो सकते हैं और उसमें भी सबसे मैक्सिमम कॉमन पॉइंट क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। बेटा लेट, हमने कोई सर्कल ड्रॉ की, इफ ये कोई सर्कल का पेयर बनाया, आप देख रहे हैं ये भी एक पेयर मेंट है, फिगर फर्स्ट, तो क्या इसमें कोई कॉमन पॉइंट है? नो। तो यहाँ पे इसका कॉमन पॉइंट क्या है बेटा? जीरो। तो इसका कॉमन पॉइंट यहाँ पे क्या हुआ बेटा? जीरो। अब हमने क्या करा, एक पेयर और लिया, इस बार कोई टू सर्कल ड्रॉ करें तो इनका कॉमन पॉइंट कितना हो गया बेटा? यहाँ पे कॉमन पॉइंट कितना है बेटा? वन। तो कॉमन पॉइंट यहाँ पे कितना है? वन। और नेक्स्ट एक अदर पेयर लिया बेटा, ये हमारी कौन सी होगी? फिगर सेकंड। अब हम इस तरह का भी पेयरमेंट हो सकता है बेटा, तो इसमें वन और टू, तो कितने कॉमन पॉइंट हुए? टू। तो कॉमन पॉइंट्स इक्वल टू टू। तो बेटा अब हम चेक करते हैं, क्वेश्चन में कहा कि ड्रॉ करो डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल, तो हमने डिफरेंट ऑफ पेयर सर्कल ड्रॉ करें, इस तरह का भी पेयरमेंट हो सकता है, ये भी एक पेयरमेंट है, ये भी पेयरमेंट है, इनमें कॉमन पॉइंट देखें तो इसमें तो क्या है बेटा? जीरो। इसमें क्या है सेकेंड फिगर में? आपका वन है। और ना आपकी जो फिगर नंबर थर्ड है इसमें कितने हुए बेटा? इसमें आपके कितने पॉइंट हैं आप चेक कर रहे हैं? इसमें टू। तो सबसे मैक्सिमम आपसे पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम ऑफ द कॉमन पॉइंट, तो सबसे मैक्सिमम कॉमन पॉइंट क्या हुआ बेटा? टू। तो मैक्सिमम जो कॉमन पॉइंट है वो क्या होगा बेटा? वो टू होगा। तो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम कॉमन पॉइंट हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं बेटा? टू हो सकते हैं। ये हमारे लिए आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, सपोज यू आर द गिवन सर्कल, गिव ए कंस्ट्रक्शंस टू फाइंड इट्स सेंटर। बेटा हमें क्वेश्चन में कहा है कि एक सर्कल ड्रॉ करो और सर्कल ड्रॉ करना है और उसका कंस्ट्रक्शन करके हमें उसका सेंटर फाइंड आउट करना है। अब हम सबसे पहले कंपास ले लेते हैं बेटा, कंपास लेते हैं, उसमें पेंसिल को सेट करते हैं। जब हम पेंसिल को सेट करेंगे तो कोई भी सिंपल सी कोई एनी रेडियसिस लेते हैं, स्केल से कोई भी अपने पास से कोई भी सिंपल सा एक आर्क लो, से यहाँ पुट करो और यहाँ पुट करने के बाद बेटा कोई सिंपल से टेक ऑफ द रेडियसिस लेके आप यहाँ एक सर्कल ड्रॉ कर दें बेटा। अब हमने बेटा यहाँ क्या करा, यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया किसी भी एनी रेडियस का, हमें नहीं पता इसका यहाँ पे कहाँ सेंटर है। अब हम इस पर कोई भी थ्री पॉइंट टेक कर लेते हैं, वन टू थ्री, इस तरह से हमने कोई थ्री पॉइंट टेक कर लिया, इस पर हमें इसका सेंटर फाइंड करना है। एक सर्कल क्वेश्चन में आपसे कहा है सपोज यू आर ए गिवन ए सर्कल, आपको एक सर्कल दिया हुआ है और आपको इसका कंस्ट्रक्शन के द्वारा सेंटर फाइंड करना है, तो आप कोई भी सर्कल ड्रॉ कर लें और उस पर कोई थ्री पॉइंट टेक कर लीजिए। लेट इफ ये कोई ए है, बी, और ये क्या है बेटा? सी। अब हम क्या करते हैं बेटा, स्केल लेते हैं, स्केल के यूजेस से हम क्या करते हैं यहाँ पे इन लाइनिंग को आपस में ज्वाइन कर लेंगे। तो स्केल टेक ऑफ करते हैं, इसको यहाँ पे रखिए बेटा इस तरह से, कोई भी जो पॉइंट है अब आप इनको यहाँ टेक कर लेते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, ए से बी को ज्वाइन कर दीजिए, अब बी से सी को ज्वाइन करें, बी से ज्वाइन किसको करें बेटा? सी वाले पॉइंट को, तो बी से सी को ज्वाइन कर देते हैं। जब बी से सी ज्वाइन करेंगे तो वहीं आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करते हैं बेटा, ये जो लाइनेशन है इसको टेक करते हैं हाफ से मोर देन डिस्टेंस लेके, हाफ से मोर डिस्टेंस ले लीजिए,
और आप बहुत साइड दोनों तरफ आर्क लगाओ, इधर साइड में भी बेटा टेक ऑफ करो और इधर भी टेक करो बेटा आर्क की। दोनों तरफ बेटा डिस्टेंसेज लेते हुए टेक ऑफ कर लेते हैं। जब हम आर्क लगाते हैं उसी सेम पॉइंट ऑफ व्यू से आप बी को टेक ऑफ करेंगे और बी पे यहाँ रखते हुए बेटा ये आर्क रोटेटेड कर देंगे, यहाँ से ये इसको इंटरसेक्टेड कर देगा। ऐसी सेम एज आप हाफ से मोर देन डिस्टेंस लेंगे, हाफ से मोर देन डिस्टेंस लेके आप इसके लिए भी आर्क लगाएंगे, इसको भी बाइसेक्टेड करेंगे। बाइसेक्टेड करने का ये रूल होता है बेटा कि किसी भी डिस्टेंसेज को टेक ऑफ करने के लिए आप क्या करते हैं, हाफ से मोर देन डिस्टेंस लेते हैं। इसके लिए आप यहाँ से टेक ऑफ करें, ये इससे इंटरसेक्टेड कर रहा है, यदि आपको दिखाई दे रहा है फिर से आप वहीं पे रखें, फिर से आप इस लाइन को इंक्रीज कर लें। आप इधर पॉइंट ऑफ व्यू रखने के बाद में आपने चेक किया कि जब ये पॉइंट था तो ये इसको क्या कर रहा है बेटा, यहाँ पे इंटरसेक्टेड कर रहे हैं। अब आपके पास दोनों पॉइंट ऑब्जर्व हैं यहाँ पे, इसके लिए तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइनिंग कर लीजिए जो आपका इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है। ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू वैल्यू है, तो आप इसको क्या करते हैं यहाँ से आप पास आउट कर देते हैं लाइनिंग। फिर आप नेक्स्ट अदर जो आपने इस बी ए बी लाइन का बाइसेक्टर किया हुआ है लाइन ए, इसको ज्वाइन कर दीजिए। जब आप इन दोनों को ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको फाइंड आउट हो जाएगा कि दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कि इन दोनों पॉइंटों के लिए जो ऑब्जर्वेशन है ये इसका बेटा वो पॉइंट है जो इससे डिस्टेंसिस आपकी इक्वल है। अब आप डिस्टेंस को मेजर करके देख सकते हैं, दिस इज द ओ इज द सेंटर ऑफ पॉइंट, कि ओ से इस ओ बी की जो डिस्टेंसिस है ओ ए और ओ सी बेटा तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। ये जितनी डिस्टेंस आपकी ये है ओ से ओ सी सेम एज ओ बी और ओ ए, तीनों क्या है बेटा रेडियस है। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइंड आउट द सेंटर, ये सेंटर फाइंड करने के लिए आपकी कंस्ट्रक्शन है कि आप पहले कोई सर्कल ड्रॉ करो, इस पर कोई थ्री पॉइंट लें, थ्री पॉइंट लेके पहले ए बी को बाइसेक्टेड लाइन करें, ए बी के लिए हाफ से मोर देन डिस्टेंस लेके आर्क लगाएं, बी सी का हाफ से मोर देन डिस्टेंस लेके दोनों बहुत साइड आर्क लगाएं जहाँ पे एक दूसरे को लाइन इंटरसेक्टेड करेगी, जिस पॉइंट पे हुज ऑफ सेंटर वही उसका क्या बेटा सेंटर, उस सेंटर से तीनों पॉइंटों पे डिस्टेंसेस इक्वल होनी चाहिए क्योंकि ओ सी ओ बी ओ ए जब आप ज्वाइन करेंगे दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल।